कौम के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं अगर एहतियात कर ली तो पाकिस्तान में अमीर ममालिक जैसे तबाही नहीं होगी। लॉकडाउन करने का मतलब ये नहीं होता कि कोरोना खत्म हो जाए। लॉकडाउन से कोरोना का फैलाव सुस्त हो जाता है। हमारे ख्याल में पाकिस्तान में कोरोना का पीक जुलाई के आखिर या अगस्त में आएगा। कौम से अपील करता हूं कि अपने और अपने बुजुर्गों के लिए एहतियात करें। अगर बेएहतियाती करते रहे तो हम सब की जिंदगी खतरे में डालेंगे। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होता कि कोरोना वायरस मुल्क में ख़त्म हो जाएगी। उसका मतलब ये होता है कि जिस तेज़ी से कोरोना वायरस एक मुल्क में फैलती है, जब आप लॉकडाउन करते हैं तो वो उसका जो फैलाव है, जिस तेज़ी से वो फैलना चाहिए, वो कम हो जाता है। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। अगर हम SOPs पे चलेंगे तो इंशाल्लाह हम इसको मैनेज कर लेंगे। मैं आज आपको अपील कर रहा हूं कि अपने लिए आपके घर में बुजुर्ग होंगे, कई लोग बीमार हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज है, इनकी जानें खतरे में है। क्योंकि आम लोगों के लिए खतरा नहीं है, इसलिए मैं देख रहा हूं कि लोग, हम जितना मर्जी कहते हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। ये सबसे पहले तो ये जो मास्क है, ये हर जगह जब आप बाहर निकलें ये मास्क पहने। हम अब कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इसी महीने में 1000 बेड्स जिनके ऊपर ऑक्सीजन हो सारे पाकिस्तान के अंदर, अब हम इंशाल्लाह इसी महीने में पहुंचा देंगे।